चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मिरर वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिरर वाले और वाटर वाले हैं ना, वाटर बेच और मिरर इमेज वाले कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको इस क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि मिरर इमेज वाले पार्ट में हमें क्या ध्यान रखना होगा। कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि आपको पता है कि मिरर की बात करें, MIRRO, मिरर इमेज, एक ये होता है मिरर इमेज। अब वो पूछ सकता है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मिरर इमेज में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका इमेज बनने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता दूं कि अंग्रेजी वर्ड वाला में ऐसे कितने अक्षर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज समान रहता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको एक शॉर्ट का ध्यान रखना है कि 11 अक्षर ऐसे हैं हमारी वर्णमाला में जिनका मिरर इमेज समान रहता है। क्या रहता है? मिरर इमेज कैसा होता है? समान रहता है। कैसा? मिरर इमेज समान रहता है। अब बात करें दर्पण वाले की, है ना, दर्पण वाले की बात करें, ये तो दर्पण हो गया मिरर वाला, है ना, ये तो हो गया दर्पण वाला। अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब किसकी, जल प्रतिबिंब की यदि हम बात करें, किसकी, जल प्रतिबिंब की यदि हम बात करें, तो ऐसे कितने अक्षर हैं जल प्रतिबिंब में जिनका समान रहता है ना, जिसके अक्षर कैसे होते हैं, समान रहते हैं। जैसे 9 अक्षर ऐसे हैं जिनका जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज कैसा होता है, समान रहता है। जैसे आई का, आई का कैसे बनाओगे, आई रहेगा, और जैसे आप एच का बनाओगे, एच का बनाओगे तो एच ही रहेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब तो जैसे पानी से भरा हुआ है ना, कोई अक्षर ऐसा है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है बहुत सारा, तो इसमें आई जो बनेगा वो भी इसी प्रकार का बनेगा, आई जो बनेगा वो भी जल प्रतिबिंब में इसी का सेम आकार का बनेगा। यदि हम एच बनाएंगे तो इसमें भी एच जो बनेगा किसमें, वाटर में सेम टू सेम इसी कंडीशन से बनेगा। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि मिरर इमेज के अंदर ऐसे कितने अक्षर हैं वर्णमाला के अंदर जो कि समान रहते हैं, वो क्या कर सकते हो आप, 11 कर सकते हो। और नेक्स्ट की बात करें जल प्रतिबिंब, क्या जल प्रतिबिंब के अंदर क्या होगा, ऐसे कितने अक्षर हैं वर्णमाला के अंदर जो कि समान रहते हैं यानी परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे कितने, 9 अक्षर हैं जिनको क्या होता है, अक्षर समान रहता है, कोई प्रतिबिंब जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला, इसके अंदर क्या बनता है मिरर इमेज में, पहला क्वेश्चन नंबर क्या बनता है वो आपके सामने दे रखा है, आपकी डिस्प्ले के सामने शो हो रखा है, क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हो। तो मैं पहला क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, आपके डिस्प्ले के सामने शो हो रखा है, वो क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब कैसा रहता है, समान रहता है। तो इससे पहले अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया कि 11 अक्षर ऐसे हैं किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में, जो कि कैसे होते हैं, समान रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको देख लिया होगा कि ऐसे ही टिक हो गया आपका, हो गया, बस यही आपको सॉर्ट कर ध्यान रखना है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपकी डिस्प्ले के सामने सो रखा है, वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होते हैं जिनका जल प्रतिबिंब, क्या जल प्रतिबिंब कैसा होता है, समान होता है, ऐसे कितने अक्षर हैं, अभी अभी मैंने कराया आपको, 9 ऐसे अक्षर होते हैं जल प्रतिबिंब के अंदर जो कि कैसे होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, जो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी डिस्प्ले के सामने शो रखा है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है वो देखते हैं, वो ये कहता है क्वेश्चन, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, कि ए को एक बार, ए को लिखते हैं एक बार, बी को लिखते हैं दो बार, सी को तीन बार और डी को चार बार। इसी प्रकार से वो क्या कहता है
इसी प्रकार से जेड तक सटाकर लिखे जाए, जेड तक लिखा जाता है ना, कहां तक, जेड तक लिखा जाता है, तो इस संख्या में कुल कितने अक्षर होंगे, है ना, कुल कितने अक्षर होंगे, जेड भी कितने बार लिखा जाएगा, 26 बार लिखा जाएगा, कितने बार, 26 बार जेड लिखा जाएगा, क्योंकि ये देखो पहले नंबर पर तो एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, तो रियल में इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्रम बन रहा है, ए को एक बार, बी को दो बार, सी को तीन बार, डी को चार बार, इसी प्रकार से जेड को 26 बार लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे अल्फाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं, इंग्लिश में जो भी अल्फाबेट होते हैं यानी उसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26, तो यानी कि लास्ट वाला जो पॉइंट है जेड जो है 26 बार ऐसे लिखा गया होगा। तो अब क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछा गया है कि श्रृंखला में कुल कितने अक्षर होंगे, तो माय डियर मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे, इसको जो कंटिन्यू क्रम चल रहा है इसको निकालने का एक नंबर निकालना है, तो मैं क्या करना होगा, 26 देख रखा है, इससे एक आगे जोड़ दो, कितना हो गया 27/2, यानी ये नंबर लिखो इसमें एक जोड़ो और दो का भाग लगा दो, यानी ए नंबर लिखा इसमें एक जोड़ दिया, दो का भाग लगाना है, दो से भाग लगाएंगे 13 बार हो गया, 13/7 कितना होता है, 93 होता है, यानी कितना हो गया 19, 13 × 26 और 9 = 35, यानी कि कितने अक्षर होंगे, 351 टोटल, यानी कि ए को एक बार, बी को दो बार, सी को तीन बार, इस प्रकार से क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षर होंगे इसके अंदर, 351 अक्षर ऐसे होंगे जो कि इस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्लियर। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी और दिखाते हैं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए आपके डिस्प्ले सामने क्वेश्चन सो रखा है तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या है कि ए को एक बार, ये भी लगभग क्वेश्चन ऐसा ही है, ए को एक बार, बी को दो बार, सी को तीन बार, और इस प्रकार से लिखा जाए तो जेड तक सटाकर लिखा जाता है, जेड तक लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है जेड तक, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, ठीक है भाई, लिखा जाता है तो बाईं ओर से 100वें स्थान पर क्या होगा, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है कि यानी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 100वें स्थान पर क्या होगा, यानी कि कौन सा अक्षर होगा, यह हमें निकालना है। वो हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहला अच्छा जो फंडा होता है कि नंबर निकालने के लिए, पहली बात तो ये कि हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट साइड से नंबर निकालेंगे, है ना, लेफ्ट साइड पर कौन सा नंबर होगा, तो क्वेश्चन भी यदि हम पढ़ लें तो देखा है कि ए को एक बार, बी को दो बार, सी को तीन बार, इस प्रकार जेड तक सटाकर लिखा जाए तो बाईं ओर से 100वें स्थान पर क्या होगा। इसके लिए हमारे पास एक लॉजिक होता है 2L, 2L मतलब L क्या होता है, बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से, तो 2 × 100 करेंगे कितना हो गया, 200 हो गया। आप कहोगे सर 200 तो किसी का परफेक्ट उसके नहीं होता, बिल्कुल कंडीशन बनती है, लेकिन हमें पता है 200 के नियरेस्ट में 196 एक ऐसा नंबर होता है जो कि 14 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इस प्रकार क्वेश्चन में ये देखते हैं कि इसके नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 196 है, और जो कि 196 जो होता है हमारा 14 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, होता है ना। अब देख लो वो नंबर तो आ गया 14, लेकिन 14 पर हमारा जो नंबर आता है वो n आता है। कम समझ में आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, l से 100वें स्थान प्राप्त करना है तो करेंगे क्या, 12 करेंगे, l होता है 100 दिया हुआ है, 200 हो गया, और 200 को देखेंगे इसके नियरेस्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसा, 196 एक ऐसा नंबर है 200 के नियरेस्ट में जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 14 का स्क्वायर होता है। अब 14 वर्णमाला में कौन सा नंबर आता है, 14 नंबर पे कौन सा आता है, n नंबर आता है, कौन सा, n नंबर आता है, इसलिए इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, क्लियर क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। यदि देखो इसी क्वेश्चन को यदि मैं कह दूं, इसी क्वेश्चन को यदि मैं कह दूं कि बाईं ओर से 130वें स्थान पर, 130वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, 130वें स्थान पर, तो करना क्या होगा, 2L, 2 × 130 ऐसे निकालोगे,
कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? हाँ चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत टाइम बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या है, 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल कैसे बनेगा, 1, 2, 3 इसी प्रकार से 100 तक ये संख्याएं बनती आएंगी। अब इनका योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। मैं कहूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि नॉर्मली चीज आप कर लोगे। अब कैसे करना होगा, इनका जो योगफल निकालना है वो क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि संख्या लिखो और संख्या में 1 जोड़ दो बटे 2 और 2 से काटेंगे ये हो गया 50। हमारे पास 50 × 101 कितना हो गया, 50 और 50। अब देखो इसमें एक शॉर्टकट लगा है, मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट लगा है कि किसी भी संख्या का मल्टीपल यदि 101 में करना है तो इस संख्या को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। जैसे मैंने कहा 43 × 101 में किसी भी 2 अंक की संख्या का यदि हमें गुणा करना है तो क्या करेंगे, जिस संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं, हमारा आंसर एकदम सही आएगा। जैसे मैंने कहा 76 × 101 में 2 अंक की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 76 और 76 संख्या को क्या कर देंगे, रिपीट कर दिया जाएगा संख्या को। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के सामने शो रखा है तो आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? चलिए इसमें दिया हुआ है कि 1 से 18 तक संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2, 3 कहां तक दिया है, 18 तक दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, मैंने बताया 18 लिखो इसमें 1 जोड़ दो, 19 और बटे 2 2 से काटेंगे 9 बार और 19 में कितना होता है, 171। ये आंसर हो गया आपका, आंसर हो जाएगा ना आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी डिस्प्ले के सामने शो रखा है तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, 1 से 100 तक ये कह रहा है 1 से 100 तक कुल कितने अंक होंगे, 1 से 100 तक कुल कितने अंक होंगे वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे समझो, देखो 1 से 100 तक यानी 1 से लेकर पहले 9 तक यदि लिखेंगे तो हमारे पास 9 अंक होंगे, क्योंकि 1, 2, 3 इस प्रकार से 9 तक 9 अंक हो जाएंगे। अब बात करेंगे 10 की, 10 से लेकर यदि हम बात करें 99 तक कितने अंक होंगे, 99 तो ये है, 10 से पहले 9 गायब हैं, तो 10 से लेकर 99 तक हमारे पास 90 अंक होंगे। क्या 90 अंक होंगे, लेकिन क्या पूछा है, योगफल पूछा है। क्या पूछा है, हमारे पास कितने अंक होंगे, अंक पूछे ना, तो ठीक है। अब देखो 90 अंक तो है हमारे पास, लेकिन कितने हैं, 1, 2 अंक के 90 अंक हैं, तो 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 180 हो गया। अब बचा हमारे पास 100 में कितने अंक हैं, 1, 2, 3 और 3 जोड़ेंगे 9 और ये कितना हो गया, 9, 3, 12, 8, 9 और 1 यानी कितना हो गया, 192 हो जाएगा। यानी कि 1 से 100 तक कितने अंक होंगे, तो पहला बात 1 से लेकर 9 तक ले लो 9 अंक होंगे, 10 से लेकर 99 तक 180 अंक हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या होगी ना, क्योंकि जब 10 होगा फिर ये 10 होगा 11 फिर 12 फिर 13 सभी में 2-2 अंक हैं, 2-2 अंक हैं तो 99 तक जाएगा, तो कितने 90 अंक हो गए। ये वाला तो 2 डेट का है तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर आपको देखा सामने 8 है ना, दे रखा है कि 21 से 55 तक का योगफल क्या होगा, 21 से लेकर 55 तक योगफल क्या होगा। अब इसमें एक चीज आपको समझनी है, हमने अभी लिखाया कि 1, 2, 3 और हमने मान लिया 100 तक लिख दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये 100 और 101 एक जोड़ो 2 का भाग लगाओ। ये कब लगता है, जब संख्याएं निरंतर चल रही हो,
एक से स्टार्टिंग हो रही हो, लेकिन यहां पे एक से स्टार्टिंग नहीं है, नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं, एक दो तीन चार पचपन तक लिख सकता हूं, समझ ना। अभी एक से तो दिया नहीं सर, आपने लिख कैसे दिया, लेकिन मैं इसमें से कर सकता हूं माइनस एक से लेकर बीस तक, एक दो तीन, बात तो वही होगी ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जब संख्या एक से स्टार्टिंग होती है, कब से एक से स्टार्टिंग होती है तब ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया, इससे पहले 20 संख्याएं थी उनको मैंने हटा दिया। इसका फुल प्रूफ चाहो तो मैं दिखा सकता हूं, फुल प्रूफ चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना समझिए अभी, है ना, अभी इतना समझो, इसके जस्ट बाद में आपको इसका फुल प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसा पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो एक से स्टार्टिंग हो गई तो क्या लगना है, 55, और 55 में एक जोड़ेंगे 56 हो गया, 56 बटे 2 माइनस 20 और एक 21 बटे 2, 2 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 28 बार, 28 पंजे 140 होता है 14, 28 पंजे 140, 140 और 14 कितना हो गया 154, माइनस का 210, 0, 3, 3 और 3 कितना हो गया 1323। अब कहो सर ये आपने कैसा किया, अब ये बताओ, अब समझो इस चीज को, अब इस चीज समझेंगे, यहीं पे समझाते हैं हम आपको, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह प्लस सोलह प्लस सत्रह प्लस अठारह प्लस उन्नीस प्लस बीस प्लस का 21, ठीक है, 21 हो गया, प्लस का 22 प्लस का 23, ऐसे लिखे जाएंगे 55 तक, लिखे जाएंगे 55 तक। अब यह आएगा माइनस का, तो देखो माइनस मल्टीपल हो गया, माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार, तो देखो एक से ये कट जाएगा, दो से ये कट जाएगा, तीन से ये कट जाएगा, चार से कट जाएगा, इस प्रकार लिखे जाएंगे, तो ये लिखा जाएगा हमारा 20 तक, तो 20 तक संख्या है तो ये सब कट जाएंगे, ये सब संख्या कट जाएंगी ना हमारे पास 20 तक, तुम्हारे पास क्या बचा 21 से 55 तक, ये देखो वही कंडीशन बचेगी ना, इसलिए हमें थोड़ी हेल्प के लिए ऐसा करना पड़ा। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक, क्लियर हो रहा क्वेश्चन, तो ठीक है, इस क्लास में हम नहीं रखते, इस क्लास में हम वित्तीय क्लास रखते हैं, और इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, कौन से वाले, जो हाथ मिलाते हैं, है ना, जो भी खिलाड़ी होते हैं एक क्रिकेट टीम में, मान लो 20 खिलाड़ी हैं, अभी किसी ग्रुप में 20 खिलाड़ी हैं और एक दूसरे हाथ मिलाएंगे, तो कितने बार हाथ मिला लेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन को हम इससे आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को क्लास पसंद आई होगी, यदि ये क्लास पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है।